उनकी तस्वीर बना रहे हैं। ये महाराष्ट्र के डिप्टी सीएफ दास पे है, उनका मुझे रिसेंटली 3 से 4 दिन पहले ये ऑर्डर मिला है और मैं कल नाइट से इसको थोड़ा सा करना शुरू किया हूँ। अभी ये वर्क जो है प्रोसेस पे है, अभी चल रहा है। अभी ये हमें कंप्लीट करने में 3 दिन और इसको लगेगा, वो फोटोग्राफ से पूरा रिजेंबल आने में। और अभी इसको आप कह सकते हैं 40% इस पर वर्क डन हुआ और थोड़ा बहुत इनका लुक आप देख पाएंगे कि इसमें आ रहा है, थोड़ा बहुत लुक अभी आना शुरू हुआ। और इस विधा में सबसे खूबसूरती है ना कि ये जो क्ले है, क्ले एक ऐसा सॉफ्ट मीडियम है जिसके माध्यम से कोई भी कलाकार बहुत आसानी से किसी का करेक्टर इसमें रख पाता है, इसीलिए ये मिट्टी का सिलेक्शन करते हैं। और ये जब पूरी तरह से ये मिट्टी का डिजाइन मतलब मैच हो जाएगा 100%, कस्टमर इससे संतुष्ट हो जाएंगे, तो फिर इस डिजाइन का हम साँचा बनाते हैं और साँचे से अलग अलग मीडियम में ढलाई करते हैं। जैसे ये जो ऑर्डर है ये फाइबर ग्लास का ऑर्डर है, इसको हम ब्रॉन्ज में भी कर सकते हैं, मार्बल में भी कर सकते हैं और प्लास्टर पेरिस सीमेंट अलग अलग मटेरियल में इसको हम ढाल सकते हैं। लेकिन किसी भी स्कल्पचर को किसी मीडियम में बनाने के लिए एक मिट्टी का डिजाइन बनाना बहुत आवश्यक होता है, इसलिए ये अभी मिट्टी में डिजाइन बन रहा है। और मैं तो बहुत खुश हूँ कि ऐसे पर्सनैलिटी को हमको काम मिला है और मैं ऐसे जगह से रहते हुए भी और वहाँ से काम मिला है, मैं बहुत खुश हूँ ये काम करके, बहुत अच्छा लग रहा है। ये आगरा का था और बहुत धन्यवाद। ये जो कंपोजिशन को हम इस टाइप का काम कंपोजिशन वर्क करते हैं, नमस्कार, मैं हूं कुमार नेहरू और आप देख रहे हैं जम्मू टुडे। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं मौजूद हूं जमुई के झाझा प्रखंड के जामू खरैया गांव में और यहां के रहने वाले बिरजू हैं जिन्होंने जो है बीएचयू से फाइन आर्ट्स में जो है मास्टर करने के बाद जो है ये जम्मू आ गए हैं वहाँ पर, यहाँ पर जो है ये स्ट्रक्चर बनाते हैं और इसके तहत जो है ये पूरे भारत में बिहार और जम्मू का नाम रोशन कर रहे हैं। तो बिरजू जी, आप कहाँ से आपने पढ़ाई की है और कहाँ से आपको प्रेरणा मिली किस तरह? मैं इनिशियली पढ़ाई मेरा हुआ है जो जवाहर नवोदय विद्यालय बरहट जम्मू से क्लास 6 से क्लास 12 तक की पढ़ाई हुई है और मुझे इस फील्ड में बचपन से, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ 4-5 में था, इस फील्ड में थोड़ा बहुत लगाव था, ड्राइंग करना, स्केच बनाना, ये सब था। जब नवोदय विद्यालय में मेरा एडमिशन हुआ तो वहाँ जाने के बाद मेरे इस फील्ड में थोड़ा सा निखार आया और क्लास 8, 9, 10 में जाते जाते फिर मैं, मेरे मन में कहीं ना कहीं ऐसा आ गया कि मुझे फाइन आर्ट में ही अपना करियर बनाना है, तो फिर मैं इस फील्ड में आ गया। आखिर जम्मू से छोटे शहर में जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, उनको होता है कि हम डॉक्टर बने या IPS बने, कुछ बड़ा सपना देखते हैं, फाइन आर्ट्स में जाना नहीं चाहते, तो आखिर आपने फाइन आर्ट्स में जो है चुना, तो क्या मतलब आप इस बात से ही समझिए, इस बात से ही समझिए कि जवाहर नवोदय विद्यालय बरहट जम्मू में जो स्थापना हुआ है 1886 के आसपास ही हुआ है शायद नवोदय, और उसमें से जब से पढ़ाई हो रही है सारे स्टूडेंट ड्राइंग पेंटिंग करते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा स्टूडेंट, पहला स्टूडेंट मैं हूँ कि सोचा हूँ कि इसी फील्ड में करियर बनाना। पढ़ाई सभी करते थे और स्केच वगैरह पेंटिंग भी करते थे, लेकिन कोई अपना फील्ड इधर नहीं चुना। मैं पहला स्टूडेंट हूँ जो इस फील्ड में करियर बनाने के लिए डिसाइड किया हूँ, तो ये समझिए मेरे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण था। और मुझे मतलब इतना पब्लिक का सपोर्ट मिला है ना कि मेरे आत्मबल बढ़ता चला गया, इनिशियली से कॉलेज लाइफ से लेके अब तक इतना सपोर्ट मुझे मिला है, बाहरी लोगों का, कस्टमर का काम देना, बड़े बड़े लोगों को मतलब बुशअप करना कि नहीं बहुत अच्छा कर रहे हो, काम भी मिल जा रहा था, तो फिर मैं इसी फील्ड में अपना करियर बनाने के लिए डिसाइड कर लिया था। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आपके स्टूडियो में काफ़ी कुछ जो है अभी मूर्तियाँ बनके तैयार है, तो किस तरह से काम करते हैं, क्या है, कहाँ का है? ये अभी देख पा रहे हैं ये 7.5 फीट हाइट में है, बिरसा मुंडा जी के एक लाइफ साइज स्कल्पचर है। ये जवाहर नवोदय विद्यालय गोड्डा में लगना है, मेन गेट पे ही, एंट्री गेट पे ही ये लगना है। तो आप, ये 2 महीना पहले ऑर्डर आया था, ये फाइबर ग्लास में है और 7.5, ये ऐसी मीडियम है कि ये फुली वाटरप्रूफ होता है, 100-150 साल इसको कुछ होता नहीं है, जहाँ भी लगाइए कोई दिक्कत नहीं है, तो इस मीडियम में बना है। और मेरी सबसे बड़ी बात ये है कि मैं जामू खरैया गांव में हूँ और गांव में रहते हुए अलग अलग स्टेट का काम कर रहे हैं। आप देख पाएंगे ये जितने भी काम अभी लगा हुआ है, ये आप देखेंगे ये बिहार का ही अपने काम है, ये बिहार का ही, सिवान साइड का, ये इधर सोनपुर साइड, हाँ बिहार का ही कोई डिस्ट्रिक्ट का काम है। और ये आप देखेंगे रिसेंटली 4 दिन पहले हमको ऑर्डर मिला है, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम रहे हैं गोपीनाथ मुंडा जी, उनका ये काम है और ये लगभग देखिए 30-40% इस पे काम हो चुका है, तो ये काम भी मिला। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि डिप्टी सीएम रहे हैं और वो एक छोटे से गांव से बन के जाएगा और मुझे चुना गया है इस काम को करने के लिए, तो ये मेरे लिए इससे ज़्यादा क्या खुशी हो सकती है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आप मूर्ति से पहले उनका पिक्चर वगैरह, हाँ वो अलग अलग पिक्चर से बनाते हैं, नहीं पिक्चर ही रहता है, सामने रहता है, वो हमें फील आ जाता है, 2D से 3D में मुझे फील आता है कि कहाँ पर क्या डेप्थ है, कहाँ पर हाइट लेना है, वो
भी मेजरमेंट से क्या मतलब पिक्चर देख के 100% हाँ एकदम 100% हाँ हाँ एकदम 100% हो जाता है। ये आपका ये समझिए ये मेरा प्रैक्टिस है जो मैं कर पाता हूँ। मैक्सिमम जो आर्टिस्ट आज की डेट में नहीं कर पाते हैं फोटोग्राफ से 3D में मैक्सिमम लोग नहीं कर पाएंगे, जिनका बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है वही कर पाते हैं। ये देखिए MP का वर्क है, ये भी लाइफ साइज का सिटिंग पोज में है और ये लगभग 30-40% इसमें भी काम हो चुका है। आप ये देखेंगे MP का था, उधर वो महाराष्ट्र का था, ये देखिए आगरा का है, UP का ही काम है। ये रामानंद जी महाराज हैं एक आश्रम में, ये स्थापित होना है, ये इसमें भी 70% से अधिक काम इस पर हो गया है, तो ये भी काम बन के जाना है। अभी तक आप कितने लगभग राज्यों में काम करके दे चुके हैं? 15-16 राज्यों में काम लगा है और अभी ये सब जो लगेंगे और ज़्यादा बढ़ेगा और ज़्यादा बढ़ेगा। अब तो हर दिन 10-20 काम के अप्रोच आ रहे हैं। आप समझिए कि अभी सोशल मीडिया के थ्रू ही तो आपसे कैसे कनेक्ट करते हैं लोग, कैसे आपके पास मेरा फेसबुक छोटे से सर हाँ कैसे काम कर रहे हैं? मतलब मेरा एक पेज है ब्रिजू जी आर्ट करके, गूगल पे भी सर्च करते BREEJU तो भी वहाँ से भी मेरा सारा नंबर वगैरह मिल जाता है। इंस्टाग्राम का ID है, वहाँ पे भी अच्छा खासा फॉलोवर्स है, वगैरह ID हमेशा वायरल रहता है, 16-20 मिलियन व्यूज़ रहता है इंस्टाग्राम पे, तो कहीं ना कहीं वो भी एक माध्यम है। और दूसरी माध्यम ये है कि इतने दिनों में 4-5 सालों में बहुत जो देखने वाले हैं वो देख उसके नज़र में बस गया हूँ, उनके पास मेरा कॉन्टैक्ट है, वो जिनको ज़रूरत है उनको भी सजेस्ट कर दे रहे हैं, नए लोग को सजेस्ट कर दे रहे हैं, अगर काम लगाना है तो उनसे लगवाई, तो वो भी एक माध्यम बना है। कितने राज्यों में काम कर चुके हैं अभी तक? 15-16 राज्य में काम लगा है और अभी ये सब जाएगा तो और बढ़ेगा। क्या कहना चाहेंगे वैसे लोगों को जो जम्मू के हैं, बाहर रहते हैं, टाइगर के बाहर से? मैं तो यही कहूँगा, क्या लगता है यहाँ पे? मैं जितना फील कर पाया हूँ कि मुझे लगता है कि कुछ भी बाधा आपके जीवन में बहुत बाधा नहीं आ सकता है, आप अगर ठान लेंगे कि हमको करना है तो बहुत आसानी से हो जाता है। जैसे मैं हूँ, अगर सोचता कि मैं गांव में रह के कैसे काम भेज पाऊँगा, कैसे कर पाऊँगा, तो मेरे लिए मुश्किल हो जाता। किसी शहर में रहते एक छोटा सा जगह मिलता, हमको कोई जानता भी नहीं और जानता भी तो बड़ी मुश्किल से जानता। अब अपने यहाँ से शुरू किए हैं और अच्छा मतलब रिस्पॉन्स मिल रहा है, अब देख पाएंगे कि 8-10 राज्य का काम अभी लगा हुआ है, तो अब इससे बढ़िया क्या होगा। हिम्मत नहीं हारना है, मतलब आप सबसे बड़ी बात है कि आपके अंदर यूनिकनेस होगा तो देखने वाले बहुत हैं, केवल यूनिकनेस होने की ज़रूरत है। काम तो बहुत लोग कर रहे हैं, आप जाएंगे तो हर शहर में 10 लोग आपको मूर्ति बनाने वाले मिलेंगे, लेकिन मूर्ति में वो जान मतलब जो देख के लोगों को लगे कि यार ये क्या बना है, वैसा अगर आप कर पा रहे हैं तो आप कहीं रहेंगे तो आप सक्सेस हैं, मेरा ये मानना है। और मेरा फोकस वही होता है कि मैं एक ऐसा काम करके दूं कि लगने के बाद जितने विजिटर हो फिर लगे कि वो कहाँ से आया है, कौन बनाया है, ऐसा हो। जैसा कि आपने सुना ये थे जो है बिरजू, और इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है और काम करने के लिए लग है तो कहीं भी बैठकर जो है आप काम कर सकते हैं। और ये जो है बड़े शहर को छोड़ के आज जम्मू में रहकर काम कर रहे हैं और अपने काम से पूरे जो है भारत में अपनी पहचान बना रहे हैं।